दोस्तों आज हम लोग खेलेंगे आठ बजे चौबीस तो चलिए इस गेम को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बूमर लगाया, मैं इसे बीच में लगा देता हूँ क्योंकि बीच में काफ़ी सारे ग्रेव हैं। ये प्लांट जॉमिस का दूसरा है, प्लांट एंड जॉमिस का ये दूसरा है, मतलब प्लांट जॉमिस टू है। एक कैवेज आ रहा है लेकिन मैं इस कैवेज को सोच रहा हूँ कहाँ लगाऊँ, ये इसे मैं ऊपर लगा देता हूँ। यहाँ पे देखो इस लाइन में एक कैमर वाले जॉम्बी जा रहे हैं जिसमें एक कैमर के पीछे तीन जॉम्बी छुपे हुए हैं। तीन है कि चार है, नहीं नहीं शायद तीन ही है। इधर मैं एक और कैवेज लगा देता हूँ क्योंकि इधर जरूर आता है। इधर मैं एक और बूमरैंग लगा देता हूँ। जॉम्बी तो बहुत सारे हैं इस लाइन में। अब एक नीचे वाला लाइन में जॉम्बी आ रहा है, उधर भी एक लगा देता हूँ मैं। फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल वो तो ये कहा वो आया है, अरे भाई वो तो ठीक है लेकिन अब हम लोग आगे क्या करें क्योंकि जॉम्बी तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। भाई उसका कोई टेंशन की बात नहीं है, जॉम्बी धीरे धीरे हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। भाई पर वो भाई पर अगर जॉम्बी की एक ह्यूज वेव आ जाएगी तब तो दिक्कत हो जाएगा ना। जैसे कि अभी देख लो अभी कितने सारे जॉम्बी आ गए हैं। भाई तू उतना टेंशन ना ले, हम लोग सब हिसाब से प्लांट लगा रहे हैं। अरे भाई पर नीचे तो एक भी प्लांट नहीं है भाई। देख यार मैंने लगा भी लिया, तू बोला उससे पहले ही मैंने लगा लिया। भाई जल्दी जल्दी गेम खेल भाई, हमें ध्यान से गेम खेलना है। भाई तू कभी बोलता है जल्दी गेम खेलो, कभी बोलता है धीरे धीरे गेम खेलो। फिलहाल हम लोगों ने काफ़ी सारे लेवल पे जॉम्बी लगा लिए हैं लेकिन मैं प्लांट लगा लिया लेकिन जॉम्बी भी हम धीरे धीरे आने की रफ्तार बढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये देखो ये कैमल वाला जॉम्बी एक और आ गया है, इस बार शायद चार जॉम्बी हैं कैमल के पीछे। इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक और कोई उपाय लगाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारे आ रहे हैं। यहाँ पे ऊपर भी आ रहा है, उन्हें भी रुकना पड़ेगा मुझे। मैं मैं कर रहा हूँ बिल्कुल जल्दी जल्दी कर रहा हूँ लेकिन तू उतना टेंशन ना ले। हमने धीरे धीरे देखो रे फ्यूज वेव आ गई है जॉम्बी की, अभी मैं ध्यान दे दूँगी वो कंप्लीट करना पड़ेगा नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा, हमें बहुत ध्यान दे जॉम्बी के लिए और प्लान लगाने पड़ेंगे। भाई प्लान तो मैं तब ना लगाऊंगा जब प्लांट आएंगे। देखो अभी तो दो प्लांट हमारे पास आएंगे। वो देखो जा रहे हैं लेकिन अब हम लोग ये गेम को जीतेंगे क्योंकि जितने जॉम्बी जा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हम लोगों ने प्लान लगाए हुए हैं। ये देखो अब लीप भी आ रहा है, लीप को मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। यार हमें लगता है ज़्यादा अब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी, ये गेम हम लोग ऐसे ही जीत जाएंगे। वो देखो वहाँ पे एक और प्लान आ रहे हैं, यहाँ पे मैं एक और लगा लेता हूँ पोटैटो माइन। वैसे इसका ज़रूरत नहीं है, बस ऐसा ही मैं शौक के लिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये वेव अब खत्म ही हो गई है। और इसी के साथ हम लोग एक गेम जीत गए। अरे भाई ये तो गेम काफ़ी आसानी के जीत गए हैं और देखते हैं हमें अब क्या मिला। हमें बहुत सारे चांदी के सिक्के मिले हैं, सिल्वर कॉइन्स। फिलहाल अब हम लोग दूसरे लेवल में जाते हैं, हम देखते हैं दूसरे लेवल में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये हमारा अगला लेवल में हम लोग आ गए हैं। भाई ये इस लेवल में क्या करना है? भाई ये लेवल थोड़ा पहले से भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि इसमें और खतरनाक खतरनाक वाले जॉम्बी आ रहे हैं। इसमें एक जॉम्बी ऐसा है जो कि हड्डी फेंकता है और उसमें से एक ग्रेव निकल आता है। अरे भाई ये तो बहुत खतरनाक जॉम्बी सुनने में लग रहा है। हाँ भाई सुनने में तो काफ़ी खतरनाक है लेकिन ये असलियत में बहुत खतरनाक है और हमें इससे बच के रहना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले मैं अपना फेवरेट सनफ्लावर प्लांट लगाता हूँ। भाई इसका क्या मतलब है, ये क्या करता है? भाई ये सन प्रोड्यूस करता है और इसकी हमें आगे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्योंकि जैसे जैसे ये सन को प्रोड्यूस करेगा हमारे पास और ऑप्शन आएगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट को अनलॉक कर सकें। भाई वो जॉम्बी जा रहा है भाई। भाई ये जॉम्बी जो है ना ये जब मैं ये आइस वाला डालूँगा तो ये ठंडा हो जाएगा समझे। और यहाँ पे देखो सन तो प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन अब कुछ जॉम्बी ऐसे ऐसे प्लांट लगाने पड़ेंगे जो कि इन जॉम्बियों को आराम से रोक सकें। जैसे मैं यहाँ पे एक बूमरैंग लगा रहा हूँ लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि ये लोग बहुत करना आता है भाई, इन्होंने हम लोग का एक एक माइंड खा लिया। एक नीचे से एक जॉम्बी जा रहा है। भाई वो तो बहुत खतरनाक लग रहा है। भाई वो कोई खतरनाक नहीं, वो एक नॉर्मल जॉम्बी है, इसके लिए मैं सिर्फ एक माइंड लगाया हूँ। फिलहाल वो देखो वो एक और सनफ्लावर मैंने लगा दिया। फिलहाल मैं यहाँ पे और भी प्लांट लगा रहा हूँ।
लेकिन यहाँ पे एक स्टॉर्म आने वाली है ज़ॉम्बीज की। और ये मैं इसी ज़ॉम्बीज की बात कर रहा हूँ। ये देखो हड्डी फेंकेगा वहाँ पे ग्रेव ना आ जाएगा, लेकिन मैंने इसे अभी फ्रीज कर दिया है। और फ्रीज कर ये देखो ये जैसे ही हड्डी फेंकेगा वैसे ही एक नया ग्रेव आ जाएगा। देखो ये ग्रेव आ गया। देखो एक हड्डी ऊपर फेंका था तो ऊपर एक ग्रेव आया गया है। फिलहाल देखो मैं वहाँ पे एक ये लगा दिया हूँ पटेटमैन, एक को तो वो संभाल लेगा लेकिन पीछे वाले को लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे भाई तो पीछे के लिए क्या करेगा भाई आप? कुछ नहीं फिलहाल के लिए इसे फ्रीज करता हूँ, पीछे एक बूमरैंग लगा देता हूँ और एक ये भी पी शूटर भी जो कि रोकेंगे। देखो नीचे वो आग मसाला वाला ज़ॉम्बी आ रहा है जो कि खतरनाक है, क्योंकि इसके सामने मैं अगर कोई भी प्लांट को रखूँगा ये उसे चला देगा। और ये देखो वो ये तो वही ज़ॉम्बी है जो कि सबसे खतरनाक मुझे लगता है फिलहाल। ये देखो एक ग्रेव आ गया। इन लोगों को रोकना काफ़ी ज़रूरी है वरना मैं ये गेम को बहुत ही आसानी से बनाऊंगा। अरे भाई तो जल्दी कुछ करना है। अब मैं कुछ कर रहा हूँ फिलहाल, ये लीफ को कलेक्ट कर लेता हूँ। देखो अब एक यूज आने वाली है, अब मुझे थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा। देखो सेकंड वाले रो में कोई भी प्लांट अच्छा नहीं है और यहाँ पर मैंने गलती से सनफ्लावर प्लांट लगा दिया है। फिलहाल देखो ये वाला ज़ॉम्बी जो बीच वाला ज़ॉम्बी नहीं है काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि ये जैसा ही मसाला मेरे प्लांट पे जाएगा मेरा प्लांट चल जाएगा। फिलहाल मुझे इधर रोकना पड़ेगा इसलिए मैं पीछे एक और बार प्लांट लगा रहा हूँ। और इसी के साथ ये लेवल थोड़ा दिमाग लगाने के बाद मैंने जीत लिया। अगर मैं पीछे वाले प्लांट को हटाता नहीं और ये नहीं लगाता तो मैं ये लेवल हार जाता, लेकिन कोई बात नहीं थोड़ा मैं दिमाग लगाया लेकिन मैं जीत लिया इस लेवल को भी। अरे भाई बहुत अच्छी बात, लेकिन इस बार क्या मिला? इस बार भी हमें सिर्फ सिक्के मिले, कोई प्लांट अनलॉक नहीं हो रहा, सिर्फ सिक्के पे सिक्के ही हमें मिल जा रहे हैं। तो भाई अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।